सतीश झा साहब अभी मैं अमेरिका में हैं और हमारे लिए चैनल के लिए रोज एक छोटा 10-15 मिनट का एक जो भी उस दिन का मुख्य मुख्य बातें होती हैं उस पर अपने विचार कर बता देते हैं। सतीश जी आप ही से शुरू इसलिए कर रहे हैं कि मैं 10 सेकंड की एक छोटी क्लिप दिखा दे रहा हूं जो यहां पे दिखाई जा रही है कि न्यूयॉर्क में एक एलईडी वैन किस तरह से घूम रही है और मोदी जी से ही पूछ रही है कई चीज, मतलब बाइडन से पूछ रही है कि आप मोदी जी से सब क्यों नहीं पूछ रहे हैं। वो मैं एक सेकंड दिखा देता हूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके बाद एक 10 सेकंड का वो वीडियो भी है वो मैं मैं सतीश जी ये पूछ रहा हूँ ये लोग क्या 2014-15-16 में जब भी मोदी जी गए क्या इस तरह का विरोध नहीं था या इस तरह के लोगों को मैनेज कर लिया था क्योंकि ट्रंप जी थे या इस बार लोगों को बाइडन से शिकायत है, बाइडन से शिकायत है क्योंकि जैसा आपने ही बताया था कि ट्रंप जी जिस लालच में मोदी जी को बुलाए थे और नमस्ते ट्रंप और नमस्ते इंडिया ये सब किए थे उनको उम्मीद थी कि इंडियन डायस्पोरा पूरी तरह से ट्रंप जी को वोट देगा और शायद ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था जो हिंदुस्तानी मूल के लोग थे। तो क्या बाइडन को एक चुनाव, क्योंकि किसी भी नेता का चुनाव तो एक कमजोर पक्ष होता ही है, उनको मोदी जी के रूप में इंडियन डायस्पोरा के वोट भी दिखाई दे रहे हैं क्या सतीश जी? एक तो अगर ट्रंप की जो ह्यूस्टन की मीटिंग हुई थी हाउडी मोदी को जिसमें कि अब की बार ट्रंप सरकार का दौरा लगा था, अगर उससे मोदी की उसकी जो क्या कहते हैं कि आज के संदर्भ में सामयिकता देखी जाए अमेरिका में, तो उससे लगता है कि उसका कोई असर पड़ा नहीं। क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलता था लगता था सब भारतीय जो अमेरिका में हैं वो मोदी सब समर्थक हैं और ट्रंप का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल भारतीय मूल के लोगों ने करीब 12-13% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया, बाकी ने बाइडन को वोट दिया। क्योंकि अगर कोई आदमी सोचे समझे तो उसके लिए ट्रंप को वोट देना उतना ही संभव है जितना कि सूरज को चांद कहना या चांद को सूरज कहना। ये इस तरह की स्थिति बन गई थी 6 जनवरी के बाद खास करके। तो जो बाइडन का ये मानना उनके लोगों का कि मोदी के कहने से भारतीय जो डायस्पोरा है उनको वोट देगी, वो अपने आप में एक भ्रम हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें 2014 में जब आए थे मोदी जी मेडिसन गार्डन में, तब जो बीजेपी ओवरसीज बीजेपी उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उसको समर्थन किया, बहुत बड़ा एक माहौल बना। उस पर कोई बड़ा नेता नहीं आया, एक दो सेंटर कांग्रेसमैन लाए गए थे, ऑर्केस्ट्रेटेड था वो, पहला इवेंट मैनेजमेंट था 2014 में। वो तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। दूसरी बार जब इन्होंने ट्रंप से गले लगने की बात की और जयशंकर ने कोशिश की कि इस तरह से एक माहौल बनेगा कि ट्रंप और मोदी का रिश्ता बनेगा, तो हाउडी ह्यूस्टन बना। और तीसरा ले गए उनको, ट्रंप को ले गए थे गुजरात। लेकिन ट्रंप ने उनको, आपने देखा अगर उनका बॉडी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो ट्रंप को इस्तेमाल करना आता है सब चीज़ों का, उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी तब भी। तो दो तीन चीज़ें हैं, क्या हमारी जो डिप्लोमेसी है वो पार्टी ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर आप चिट्ठी पढ़ें जो लिखी है प्रमिला जयपाल ने और क्रिस वान वालन ने, क्रिस वान वालन सेनेटर हैं, प्रमिला जयपाल कांग्रेसमैन हैं, जयशंकर और प्रमिला जयपाल की शुरू से बनती नहीं है। क्योंकि प्रमिला सवाल पूछती हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, बहुत कम कांग्रेसमैन बनी है, और मेरे हिसाब से प्रमिला जयपाल एक्सेप्शनल कांग्रेसमैन है जैसे कमला हैरिस एक्सेप्शनल सेनेटर थी। उनसे ये कहना सीधे सीधे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का कि उनसे नहीं मिलेंगे अगर वो मीटिंग में आएंगी, और फॉरेन मिनिस्टर का कि वो नहीं मिलेंगे, तो ये कोई व्यक्तिगत मामला है, इसमें एक देश की डिप्लोमेसी के लिए ये डिप्लोरेबल है मेरे हिसाब से। कैसे कोई देश, किसी देश का विदेश मंत्री जिस देश को आप जा रहे हैं मिलने के लिए मत जाइए आप वहां। प्रमिला जयपाल क्रिस वान वालन दो स्तंभ हैं जो चार का स्तंभ अमेरिका में है, राष्ट्रपति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरफ, और जो फॉरन अफेयर्स कमेटी है सेनेट की और कांग्रेस की एक तरफ, ये चार लोग हैं। उसमें दो लोग क्रिस वान वालन और प्रमिला जयपाल हैं। ये कहना कि अगर प्रमिला जयपाल उसके अध्यक्ष भी हैं, उस कमेटी के चेयरमैन हैं, अगर वो कहती हैं अगर आप मिलना है तो हमसे मिलना पड़ेगा, ये कहते हैं अगर आप होंगे तो नहीं मिलेंगे,
ये कैसी डिप्लोमेसी है भाई, ये तो आप कोई समझ पाएगा नहीं कि एक देश का जो जाना चाहता है दूसरे देश में, वो कहे कि आपका जो सबसे बड़ा पब्लिक पर्सोना है फॉरेन पॉलिसी का, उससे नहीं मिलेगी। तो ये सोचने की बात है, इस बात को देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्या ये सही है या ये बचपना है। तो एक तो ये हो गया, कई इसके पहलू हैं। और जो चिट्ठी लिखी गई, इतनी अच्छी चिट्ठी है, वो कोई भी समझदार आदमी लिख सकता था। जो आदमी कोई पक्षपाती नहीं है वो चिट्ठी लिख सकता था। अब उस चिट्ठी को लिखकर के 70 उसमें कांग्रेसमैन और सेनेटर ने साइन किया है। अमेरिका में 435 और 535 का जोड़ बनता है, सेनेटर और कांग्रेस मिला के 70-20% लोगों ने उसको उस पर दस्तखत किए हैं। और अगर समय कुछ ज़्यादा समय लगाते हैं तो बहुत लोग दस्तखत करते हैं। इसके बावजूद कि इंडिया कॉकस बहुत मजबूत हो रहा है, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास कर प्रवीणा जयपाल ने लिखी है, जो कि भारतीय मूल की हैं, जो कि भारत के पक्षधर भी हैं, लेकिन उनका ये कहना है जिस देश से हम बात करें उसको हम वही मूल्य उनके सामने रखें जिनको हम मानते हैं, वो चाहे हमारे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, जो हम देश में करते हैं वही हमको सबके सामने रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। इसको लेकर के चूँकि देखिए अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से मीडिया ने नरेंद्र मोदी को उछाला है, जैसे इकोनॉमिस्ट ने उनके बारे में अच्छी बातें लिखी हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा। लेकिन जो PR जो मेकेनिज्म चल रहा है उनका काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज चल रही है। और यहाँ भी लेकिन जिस दिन मोदी जी आए कुछ चीज़ें बरखदत कल एक छपा वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स को आपने पढ़ा ही है, उसने कहा कि और तीसरे ने कहा कि अगर भारत एलाय नहीं है क्वेजाय एलाय है, और भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर बनने की। लेकिन जब हमने बात की तमाम लोगों से बात कुछ ये तय हो गई है, वो कहते हैं हमारे देश के लोग जो राजनयिक हैं और सरकार में हैं वो कहते हैं देखिए साहब को टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब 50 साल पुरानी ले रहे हो आप। कहते हैं हमारे पास वो भी नहीं है तो 50 साल पुराने भी ठीक है, स्थिति ये है। मानते हैं सरकार के अंदर अगर आप उससे बात कीजिए 1-on-1 तो कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हवाई जहाज बनाने की, हम कोशिश कर रहे हैं 70 साल से नहीं बना पाए। अगर जी का इंजन बनता है 404 या 414 जो नंबर उसका है, 50 साल पुराना इंजन है, वो भी हमारे जितने भी अब तक हमने कोशिश की उनसे आगे हमको ले जाएगा। दूसरी बात जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो दो चीज़ें हुई हैं, ऋषि सुनक ने कोशिश की जोड़ने की, तो ऋषि सुनक आधा ले गए, आधा अमेरिका को मिल गया, बोइंग आधा हो गया, एयरबस आधा हो गया। और जो ये मुलाकात जो हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बात है वो यही कि अमेरिका को उसमें से उनका 10 लाख नौकरियाँ मिलेंगी, यानी 10 लाख वर्ष की नौकरियाँ मिलेंगी। अगर आप ये नौकरी जीवन भर की नहीं है, एक साल में 10 लाख, जैसे हम कहते हैं कंसल्टिंग भाषा में 10 लाख मैन ईयर्स, तो वो जो है टोटल नंबर ऑफ जॉब्स बनेंगे इससे 10 लाख एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए। अगर 10 साल काम चलेगा तो एक लाख लोग 10 साल तक काम करेंगे, जो इस तरह चलेगा। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको उन्हें हाईलाइट किया है। तो अमेरिका बहुत स्ट्रेटजिकली मूव कर रहा है, आपने बुलाया, आपने निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री को भारत के, उनको बुलाया, तभी आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि नंबर 2 आदमी है, अगर आप देखें अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और तीसरा होता है जो बनता है प्रेसिडेंट उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, वो होता है कांग्रेस का स्पीकर और चौथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जा रहा है चाइना, उसी समय जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं हिंदुस्तान के, जिनको निमंत्रण आपने दिया, तो उसमें एक डिप्लोमेसी भी दिख रही है साफ साफ कि वो बैलेंस करके चल रहे हैं। जैसे कि जब शी आए आपके साथ, वो गए वार्डनगर गए तो उन्होंने साथ में लद्दाख की सेना भेज दी साथ में, तो यानी कि डिप्लोमेसी जो है कई आयाम होते हैं उनको हमें ठीक समझना पड़ेगा। आज की तारीख में अमेरिका चाहता है भारत से रिश्ते अच्छे हों, लेकिन जो कांग्रेस मैन है वो ये भी देख रहे हैं कि वहाँ बिगटरी है, वहाँ माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, प्रेस फ्रीडम की मुश्किल है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ऑटोक्रेसी की बात आपने की, ये सारे सवाल जितने भी लोग यहाँ हैं सब पूछ रहे हैं कि भारत क्या था क्या हो गया है। फिर भी जो डायस्पोरा हमारा है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और आप देखेंगे जो अभी भी अमेरिका में जिक्र नहीं हुआ है कि मोदी आए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उनके जो बहुत ही चहेते जो भक्त लोग हैं वो भी लिख रहे हैं कि लगता है वो आए नहीं अमेरिका में, अगर मीडिया को देखो तो पता ही नहीं लग रहा है उसकी। ये सब बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 साल में बात हुई है, जब मनमोहन सिंह आए तब भी यही हुआ था, लेकिन उत्साह कुछ ज़्यादा था, इसलिए कि वो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको लेकर के बहुत लोगों ने
कांग्रेसमैन ने खुद ही कहा कि बहुत बड़े ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मैं एक सतीश जी आपसे दो प्रश्न है मेरे, थोड़ा समय ज्यादा ले मतलब लग रहा है लेकिन फिर भी एक प्रश्न भारत के ट्रेडिशन का है और दूसरा प्रश्न जो जो हमारे जॉन साहब रेज कर रहे हैं इश्यूज की मतलब इस तरह की चर्चा है वहां पे कि ये एक प्री कंडीशन थी कि स्टेट वो बनाओ, ये हो सकता है विद विद जैसा वो है। मैं जरा एक फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जरा एक फोटो दिखा दूं क्योंकि इस पे यहाँ आज काफी ट्विटर पे ये काफी बातचीत चल रही है। मैं सिर्फ फोटो में सतीश जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भाजपा और मोदी जी बार बार भारतीयता, हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, हिंद इस तरह की बातें करते हैं। मैं कई जगह मेरे भाई मैं आप लोग इतना दुनिया नहीं घूमा हूं, छोटा मोटा जो देखा हूं, एक बहुत कॉमन चीज होती है कि महिलाओं को देख के भाई नमस्कार हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, प्रणाम कर दीजिए हाथ जोड़ के, वो अपने आप में कंप्लीट है। क्या ये आवश्यक है कि महिला के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, वो उनका हाथ पकड़ लिए थे उसके बाद वो बाइडन से बात कर रहे हैं, उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे। जनरली इट इज जस्ट अ स्मॉल शेक, मतलब हैंडशेक एंड देन यू प्रोसीड। तो एक तो जरा ये पूछ लूं क्या ये आवश्यक है अमेरिका में कि हाथ मिलाना महिला से इट इज मैंडेटरी, और दूसरा जो ये बात है कि क्या ऐसा कहीं था, इस तरह की बात भी है कि ओबामा जी की विजिट के समय जैसा ये कह रहे हैं उसके बाद ये लगातार प्रेशर भारत की तरफ से था कि इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाए। संदीप सतीश जी दोनों साथ दोनों चीजें जो पहली बात है वो तो अभद्रता की सीमा मानी जाएगी। अगर आप मैं भी किसी से हाथ मिलाता हूँ अगर एक सेकंड ज्यादा रह गया तो लोग कहते हैं तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा रह गया था, तो जो दिख रहा है ये तो अभद्रता की सीमा। लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री की पहचान है, जो किसी के साथ गले लगते हैं ऐसी बातें होती नहीं डिप्लोमेसी में, किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ गले लगो ये सिर्फ उन्होंने शुरू किया है, आमतौर पर नहीं होता है, ये अरब की एक परंपरा हुआ करती थी, तो वहाँ भी उस परंपरा में कुछ सीमाएँ हैं। ये तो ये जो कर रहे हैं ये अति उत्साहित होकर के दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे जॉन ने कहा उसमें एक भावना ये भी है, क्रिश्चियन भावना ये भी है, तुम्हें गला लगा रहा हूँ तो तुमने पाप किया तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो तो लेकिन वो प्रीस्ट होना पड़ता है, बाइडन प्रीस्ट नहीं है लेकिन उसमें वो आशा हो सकता है, उसको आप कह सकते हैं। जो दिखाने तस्वीर ये हमारे सामाजिक वातावरण में इसको अभद्रता की सीमा तक माना जाएगा पहली बात। तो दूसरी बात है प्रेशर बहुत था भारत से कि किसी भी तरह से ये उनको स्टेट गेस्ट बनाया जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह बने थे और उनको बुलाया नहीं गया, ट्रंप ने नहीं किया, तो ये जो सब लोग जानते हैं इसके लिए जो बोइंग डील हुई है इसी के लिए हुई है, वरना सारी सारी चीज़ें एयरबेस की तरफ जा रही थी। लेकिन बोइंग डील के पीछे यही था, अगर आप स्टेट गेस्ट बनाएंगे तो हम बोइंग लेंगे, ऐसी बात सब लोग कर रहे हैं वाशिंगटन कॉरिडोर पर। तो दोनों चीज़ें जो हैं, तो पहली बात बहुत मैं साफ हूँ, मैंने भी किसी एक महिला से हाथ मिलाया अमेरिका में, अमेरिकन महिला से, और एक सेकंड ज़्यादा रह गया तो लोग सवाल करते हैं कि दैट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, तो ये अप्रोप्रिएट तो नहीं था जो भी है, और दोनों हाथ से पकड़ लेना लगता है कि इतनी आत्मीयता है दिखाने के लिए, तो ये उनका अपने उनकी स्टाइल है कह लीजिए आप, छवि है बन गई है, लेकिन लोग उससे बचते हैं। जैसे आप देखा अगर आपको याद हो बाबा थोड़ा सा पहले झिझके ट्रंप भी थोड़ा झिझका था, लेकिन एक देश का 140 करोड़ लोगों का जो प्रधानमंत्री है उसको कुछ तो थोड़ी सी समझ मिल जाती है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, उसको दुरुपयोग कहें आप जो भी कहें, लेकिन इससे छवि अच्छी बनती नहीं देश की, जो जो उसके माहौल में जो पीछे बातें होती हैं वो बहुत अच्छी से निकल कर नहीं आती।